हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता इस समय लाइव आपके सामने, आप देख पा रहे हैं मेरे साथ बेहद ही, जैसे मैंने स्टेटस में लिखा है कि खास लोग क्या खाइए तो आपको अभिवादन करता है। और ये तो चलिए हमारे भावी उम्मीदवार हैं क्योड़क से, मनदीप क्योड़क, जो बहुत ही नेक दिल इंसान हैं, जिन्हें मैं काफ़ी अरसे से अभी जानने लगा हूँ, और वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं क्योड़क की कौन सी सीट से, वार्ड बारह जिला परिषद के इलेक्शन में सीट से लड़ रहे हैं। और इन्हें तो आप जानते ही हैं, आप कई बार मेरे साथ इन्हें लाइव बस भाई अब नमस्ते बांट रहे हो गए, नमस्ते कर रहे हैं, अच्छा वोट मांग रहे हो, इतने हाथ इनको जोड़ने चाहिए, आप ज़्यादा वोट जोड़ रहे हो, मेरा प्यार ज़्यादा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसे कि हम यहाँ लाइव इस समय मौजूद हैं, सरदार जी एक बहुत अच्छा नया रेस्टोरेंट है, तो लगा तो यहाँ पर धर्म अपने माइक का प्रयोग करते हुए, मतलब जो पत्रकार है वो चूकते नहीं है और बता देते हैं कि कैसे आवाज सही आएगी या विजुअल्स ग्राफिक्स सही आएंगे। बहुत ही अच्छा लाइफ का मोमेंट, ठीक है, बहुत ही अच्छा लाइफ का मोमेंट इस समय हम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों हमारी लाइफ हमें एक ही बार मिलती है, तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप भी स्वागत कीजिए प्रदीप क्योड़क का हमारे इस शो में। तो प्रदीप जी अब फिर कैसी चल रही हैं इलेक्शन की तैयारियां? सर इलेक्शन की तो बहुत अच्छी तैयारियां चली हुई है, बट सारा दिन इलेक्शन भी क्या, क्योंकि बहुत से लोगों से मिलना भी होता है, लोगों का दुख, लोगों की बातें सुनवाई करते हैं, तो बहुत दुखी होते हैं लोग, हैं माताएँ हैं, बहनें हैं, सब अगर किसी से पूछो, सारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको पता है लोग बड़े परेशान रहते हैं। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ दर्शकों से, साथियों से, कि कोई भी आपका दोस्त हो, दुखी हो, तो कैथल में सरदार जी हैं, आपके आसपास भी कोई फेमस जगह होगी, आप उनको वहाँ ले करके जाएँ, उनका दुख शेयर करें, जैसे हम खाना शेयर करते हैं, कॉफ़ी शेयर करते हैं, तो दुख भी शेयर करें, अगर शेयर करेंगे तो दुख कम होंगे और हम एक भरपूर अच्छी ज़िंदगी का आनंद ले पाएंगे। जी प्रदीप जी, ये तो हो गई कि जो हम सोसाइटी के लिए करते हैं, कुछ आपकी पर्सनल लाइफ भी होती होगी, आप पर्सनल लाइफ को कैसे जीते हैं, पर्सनल लाइफ को कैसे एंजॉय करते हैं, क्योंकि आमतौर पर लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, वो जानना चाहते हैं कि हमारे नेता, आप भी एक युवा नेता ही हैं, चाहे भले ही आप जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हो, तो सब लोग जानना चाहते हैं कि पर्सनल लाइफ में आप क्या सादगी से जीते हैं, उसको कितना कम्प्लेक्स है लाइफ आपकी, क्या कुछ एंजॉयमेंट के लिए अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए? देखिए सर, पर्सनल लाइफ में यही है कि मैं अगर बच्चों में हूँ तो बच्चा, दोस्तों में दोस्तों जैसा हूँ, बुज़ुर्गों में बुज़ुर्गों की तरह, मतलब एक ज़िंदगी ऐसे जैसे कि आखिरी हो, आखिरी पल ज़िंदगी का कह लो आप, ज़िंदगी को ऐसे जीता हूँ कि जैसे आज आज का ही समय मेरे पास है, कल किसने देखा, और कोशिश रहती है कि आज ही मैं इतना कुछ कर जाऊँ समाज के लिए कि मेरे मरने के बाद समाज मुझे याद करे। अच्छा, और एक ये पूछना चाहूँगा, जैसे कैसे कनेक्ट कर पाते हैं खुद को, जैसे आप गांव के बैकग्राउंड से आते हैं, आप शहर में रहते हैं, तो क्या कुछ डिफिकल्टीज आती हैं? इंटरव्यू कर रहे हैं क्या? नहीं। अच्छा, तो धर्म को थोड़ा ऑब्जेक्शन है कि आप इंटरव्यू कर रहे हैं क्या, तो इसका ऑब्जेक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं। मतलब इन्जॉय करने आया लाइफ, और मैं चाहता हूँ कि हम इसमें वो बातें करें जो हमें लगता है कि जो अपनी पर्सनल लाइफ है, या फिर मतलब उस राजनीति से और उन सब चीज़ों से दूर हटके। जी, आज हमारे साथ प्रदीप हैं और हमारे स्पेशल गेस्ट भी कह सकते हैं, और हमारे मित्र हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं और समाज सेवा में लगातार जुट रहते हैं, हमने काफ़ी बार देखा है इनको भाई, समाज सेवा के काम में ही रहते हैं, पर्सनल में तो मैंने देखा ही नहीं कभी घुसते हुए। देखिए सर, अगर आप मुझे अच्छा देखते हो तो मैं यही कहूँगा कि अच्छा मैं नहीं, अच्छे आप हैं जिनके पास अच्छा देखने वाली नज़र है। डेफिनेटली प्रदीप जी, मेरे को जब से मैं पत्रकारिता फील्ड में अभी नया हूँ, लगभग 7 या 8 महीने हुए हैं, तो बहुत ही कम समय में मैंने बहुत ज़्यादा दुनिया देख ली है। मैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल से जुड़ा हुआ था और अच्छे लोगों से और सभी प्रकार के लोगों से मेरा संपर्क रहा है, तो एक मैं समझता हूँ कि अपना फ़ोन जो है साइलेंट करके रखा करो, तुम्हें पता है ना हम जब आउटिंग पे आते हैं तो इसकी ये बुरी आदत है धर्म की कि कहीं पर भी जब इसका फ़ोन आना होता है तब तो आता नहीं है, जब हम कोई काम की चीज़ कर रहे हैं या अपना रिलैक्स मूड कर रहे हैं तो ये फ़ोन उठा के बैठ जाता है, और ज़्यादातर वो फ़ोन, मैं आपको बता दूँ, वो लड़कियों का ही होता है। कभी मैं नहीं जा रहा हूँ, लड़कियों के फ़ोन नहीं होते हैं एक्चुअली, वो काम वाले जो लोग काम वाले हो गए, या फिर कोई भी मेरे सर्कल के जो फ्रेंड्स होते हैं उनके फ़ोन होते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लोगों को टाइम दे पाऊँ, जो लोग वेस्ट टाइम वेस्ट करते हैं। अच्छा, और कुछ
बस ये है कि अभी जैसे टाइम निकाल के आए हैं, आपको भी पता, डॉक्टर साहब आपने कितने बजे फ़ोन किया था और मैं कितने बजे आया हूँ? डेफिनेटली इस बारे में ये पूरा ऑनेस्ट है, मैंने इसको दो तीन बार डांट भी दिया था कि जब टाइम से बुलाऊँ तो टाइम से पहुँचा कर, क्योंकि ये मेरे को कई बार फिर की दे देता है। कल मैंने इसको बैंक में बुलाया तो टाइम से आ नहीं पाया, आया ही नहीं। प्रदीप, क्या तुम भी ऐसा करते हो कि गोली देते हो लोगों को, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, आ रहा हूँ 2 मिनट में, आ रहा हूँ? ऐसा नहीं सर, एक्चुअली मेरी ना एक आदत है, अगर कोई मेरी जिम्मेदारी लगाते तो मुझे ना बेचैनी रहती है कि जब तक मैं वो काम ना कर लूँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। आप सुबह ही फ़ोन आया था, वो कहते हैं राजनीति की बातें करनी नहीं, बट राजनीति के लिए सेवा की है। मेरे पास वीडियो डाली, मैंने धर्म जी के पास भी डाली, कईयों के पास डाली कि गाँव में ये समस्या है, तो उन्होंने मुझे 5 बजे बुलाया था, मैं राइट 5 बजे वहाँ पर पहुँच गया था। तो मतलब आप भी पूरे नेता नहीं बने, पूरे नेता नहीं बने, नेता पूरा बनना भी नहीं है, बनना भी नहीं है, हमें समाज से भी रहना है, ग्राउंड पे रहना है, ग्राउंड पे रहना है। जब हम नेता बनेंगे ना तो गाड़ियों से नीचे उतरना नहीं है और फिर लारे लगा रहना, झूठ बोलना, बिल्कुल। ये भी आ रहा हूँ जब तक रैली में भीड़ पूरी नहीं हुई, जैसे और लोगों को कहते हैं ना नेता तो लेट आते हैं, हमने ऐसा नहीं बनना, दो साल बनना है, नेता तो लेट नहीं आते हैं, वोट मांग रहा हूँ। और कभी सोचा था आपने बचपन में कि मैं ऐसे नहीं? नहीं नहीं सर, कभी नहीं सोचा, बट हालात, लोगों की समस्याएं जब देखता हूँ ना तो फिर सोचा कि हाँ नहीं, ये करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हालातों ने मुझे पत्रकार बना दिया और इसको पता नहीं क्यों बनाया, तो क्यों बनाया पत्रकार? मैं तो स्टडी से पहले शौक था मेरा, और मैं चाहता भी था कि लोगों की आवाज़ उठाऊँ, लोगों की बात। आज भी आपने देखा होगा कि हमने जैसे सेक्टर 19 साउथ के अंदर पानी भरा हुआ था, अब हालांकि जो बैकवर्ड एरिया होते हैं उसके अंदर अगर पानी भरा हो तो कह सकते हैं कि चलो भाई पिछड़ा पिछड़ा इलाका है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ये सामाजिक समस्या है और हमारी कोशिश रहती है। अभी अर्जुन नगर में गए थे तो वहाँ पर एक घर के अंदर जो सीवरेज का पानी था और जो नालियों का पानी था वो घर में जा रहा था, और उसकी वजह से जो नया घर बना रहा था उसके अंदर भी तरेड़ें आ गई थी, घर में दरारें आ गई थी, नए घर के अंदर, पुराने घर के अंदर तो थी, पीछे वाले में, नए वाले में भी थी। तो प्रदीप, आज गाँव में खुशी का माहौल होगा, बारिश काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे किसान। खुशी का माहौल भी है, बट वही कहूँगा कि सड़कें कच्ची है ना, उन पर तो पानी पानी हो गया ना, फिर वह दिक्कत आती है। तो प्रदीप, फिर आप क्या खिला रहे हो आप हमें आज? एज यू विश, जो आपको अच्छा लगे वो खाएँ। डॉक्टर साहब को पहले मैं कहना चाहूँगा, मैं पहली बार आपके साथ आया हूँ। नहीं, डॉक्टर साहब को मैं कहना चाहूँगा कि आज डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और गेस्ट हमारे जो हैं प्रदीप जी हैं, और गेस्ट थोड़ी खिलाते हैं। नहीं नहीं भाई हैं, ठीक है भाई, हमने गेस्ट को ही कह दिया अपनी चाय खुद बनाओ, यही है भाई, गेस्ट को इशारा कर देना भाई, थोड़ा ध्यान रख ले, ध्यान रखियो भाई। तो आप इस समय हमने जो ऑर्डर किया था बटर स्कॉच शेक, उसे चेंज कर दिया था मैंने, फोन करके चेंज कर दिया था। क्या मंगाया आपने? मैंने बनाना शेक मंगाया है। हमें पीना है क्या? ये बाहर को लगा रखा है यार, अंदर को है, अंदर है, अंदर है। तो देख रहे हैं कितनी सादगी से जीवन व्यतीत करते हैं जो अंदर कैमरे के सामने आने की वजह से मेरा जो है वो चिप गया है, चेहरा चिप गया है। पीते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं। हमारा स्नैक्स भी आ गया है, रेडी हो गया स्नैक्स। KFC चाप है, KFC चाप दोस्तों बहुत ही टेस्टी है ना, दोस्तों बहुत ही टेस्टी चाप है ये। इसको माइक को निकाल दो क्या? नहीं, ठीक है, निकाल दो, ठीक है, ज्यादा करें। लीजिए प्रदीप जी, लीजिए, शुरुआत कीजिए। तो गैस पहले शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद हम इसका एंड करेंगे, उसके बाद हम सारा खा जाएंगे गैस शुरुआत करवा के। बचपन में धर्म ऐसा होता था जैसे कि किसी मंदिर में हम जाते थे कोई बचपन में, तो वहाँ प्रसाद होता था जैसे, तो हम वेट करते थे कि जल्दी से इसका भोग लगे फिर, ताकि हमें प्रसाद मिल जाए और हम खा जाएं। अक्सर जो घरों में ना गेस्ट आते थे ना, गेस्ट के जाने का इंतजार करते थे कब जाए वो, और कब जो है हम जो है गेस्ट आते थे, गेस्टों के पास पैसे नहीं मांगते थे। जब इनकी शर्म करके हमें दे देंगे। हाँ हाँ, दूसरा ये भी कि हमें बहुत बुरा लगता था जब गेस्ट आते थे और कहते थे कि हम बच्चे को कुछ पैसे देना चाहते, और घर वाले कहते थे नहीं नहीं रहने दो कोई बात नहीं। और दूसरा ये भी जब हमें पैसे मिल जाते थे तो हमसे वो वापस ले लिए जाते थे।
घर वाले ले लेते थे, क्योंकि घर वालों को पता है जब भी हम मतलब किसी के परिवार में जाएंगे तो हमें देने पड़ेंगे, बच्चों को थोड़ी देने पड़ेंगे, इसीलिए। क्या जवाब? नहीं सही है, यही रियलिटी है। आप जब पेरेंट्स बन जाओगे आपके बच्चे जाएंगे, जब देंगे ना आपको पता चलेगा। मैं जब छोटा होता था मुझे ना अगर 10 का नोट देते तो मैं लेता नहीं था, मैं कहता था मुझे सिक्का दो, सिक्के की काफ़ी चीज़ें आ जाती थी, सिक्के से संतुष्ट होता था। ओके, मीन्स आपका शौक, आपको लगता था करेंसी कॉइन है? हाँ, कॉइन ज़्यादा वैल्यू है। ओके ओके, बढ़िया। नोट तो पागल थे, गोल्ड का कॉइन तो नहीं मांगते थे ना, सोने का कॉइन। हमारे दर्शक देख रहे हैं और उन सब से कहेंगे कि आप भी बाहर जाकर एंजॉय कीजिए लाइफ को और अपनी जो बातें हैं लोगों से शेयर कीजिए, फीलिंग शेयर। बिल्कुल, मैं मानता हूँ प्रदीप भाई, जब से कोरोना ख़त्म हुआ है ना, कोरोना ने जिस तरह से लोगों को कैदी बना दिया था घर के अंदर, बिल्कुल तो कैदी नंबर 786 वो मेल मिलाप भी ख़त्म कर दिया ना, एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना करना। हमारी मलाई चाप भी आ गई है, मलाई चाप भी आ गई है, ये देखो आप लोग भी इनवाइट हैं, जिसको खानी है खा सकते हैं, बहुत टेस्टी। दोस्तों सरदार जी को मैं बार बार विजिट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपने आप में एक नया एक्सपेरिमेंट है, हर तरह की चाप फ्लेवर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और ड्रिंक भी बहुत अच्छी है। कोई भी जो चीज़ है यहाँ पर वो नॉन वेज नहीं है, सबसे बड़ी बात। हाँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, अंडा भी नहीं खाता मैं। मैं भी हाँ, और क्योंकि मेरे को जो है मंदिरों में कभी भी जा सकते हैं, आ सकते हैं किसी भी जगह धार्मिक स्थल पर, और बहुत सारे लोगों के परिवारों में ऐसे जो लोग हैं जो मतलब मानते हैं कि वेजिटेरियन लोग ही हैं हमारे घर, तो उनके परिवारों में जाना होता है, इसलिए थोड़ा सेफ रखना पड़ता है। आजकल जो है वो लड़की वाले भी कहने लगे हैं, पूछने लगे हैं उसमें मैरिज प्रोफाइल के टाइम में ना, वेजिटेरियन हो और नॉन वेजिटेरियन हो। उनका लाइफ स्टाइल ही वैसा बन जाता है मुझे लगता है। दोनों मेन रीज़न पता क्या करती हूँ उनका, पॉलिटिशियन नॉन वेजिटेरियन या शराब पीने वाले कर जाते हैं, क्योंकि हर तबके के साथ उठना बैठना हो जाता है। जी जी, तो अब कहीं पे वो कोई चीज़ ना अगर टेस्ट करें, कहीं पे ना कुछ करें, तो लोग सोचते हैं कि इसके अंदर एटीट्यूड है, क्या ये हमारी कंपनी एंजॉय नहीं कर रहा, जबकि क्या पता कोई अपनी किसी मजबूरी की वजह से वो ना कर रहा हो ऐसा, तो धीरे धीरे वो हैबिट डेवलप हो जाती है। मेरे को बोलते हैं लोग चाय नहीं पीता तू, हमारे घर नहीं पीते, जान के नहीं पीता, मैं बोलता हूँ खाना बना लो भाई, चाय छोड़ रखी मैं भी चाय। एक और है सर, अगर ड्रिंकर को ड्रिंकर मिल जाए फिर बनती है बात, झटके में दोस्ती हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, और बीड़ी वाले, बीड़ी पीने वाले को भी ऐसे ही होता है। हाँ, बीड़ी पीने वाले को भी ऐसे जो नहीं पीता वो कहता रहता है। जैसे मैं, ये बात भी सही, कंपनी नहीं मिलती। जैसे मैं भी, लेकिन अभी तो हम तीनों ही इकट्ठे हैं, तो तीन हम वेजिटेरियंस भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं और नॉन वेजिटेरियंस भी और ड्रिंकर्स भी सब अच्छे दोस्त हो सकते हैं, बस इंतज़ार होता है तो अपने जैसे किसी साथी के मिलने का। जिनके साथ मैं बैठा हूँ ना, उनकी शादियाँ जल्दी हुई है, तो ठीक बैठ गया मैं आपके साथ, लेकिन मैं लेट बैठा आपके साथ। मलाई चाप चेक करें, मेरा जो लाइव है ना, क्या पता मेरा भाई कॉपी करके मेरे घर भेज दे और कहे आज खाना मत बनाना इसका। लेकिन फेसबुक ऐसे ठीक चीज़ है कि लोगों को ट्रांसपेरेंसी रहती है कि जब हम कहीं जाते हैं ना, तो हम अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। हाँ, वो ठीक। हाँ नहीं, वैसे इसका एक ये कई बार खुद को भी समय देना चाहिए ना। डेफिनेटली, सबको समय देते हैं, हम अपने आप को समय दें वो बेटर है। दूसरा इससे मेरे को लगता है कि शक भी ज़्यादा बढ़ गया है धर्म, जब से सोशल मीडिया है। पहले क्या होता था, अब जैसे कई बार तो आपकी घरवाली करेगी ना, अगर शादी होगी तो वो अगर ऐसे घरवाली कहती है दिखाओ कहाँ हो अभी उस पर व्हाट्सएप पे, कहाँ पे हो, किसके साथ बैठे हो, अब तक घर नहीं आए, तो मतलब आप जो भाभी जी आएंगी अगर जिसके दिल में हो आप अभी, तो वो पहले ही देख लेगी
पेट तुम्हारा कहाँ से भरेगा डॉक्टर साहब, मेरा तो कह सकते हैं छोटा सा पेट है क्यों। अरे डॉक्टर साहब ये चीज़ और समझ नहीं आई, साइज के हिसाब से भी पेट में भूख होती है क्या? नहीं आता अच्छा वो है ना, ऐसे बोल रहे हैं मोटा पेट है ज़्यादा फायदा, 11 रुपया खा जाते हैं वो। जांगड़ा साहब उठ क्यों नहीं पा रहे हैं? जांगड़ा साहब कौन है? रमेश जांगड़ा जी, जो साइकिल वाले, साइकिल वाले जिनकी साइकिल चोरी हुई है। साइकिल क्या चोरी हो गया है, पूरे शहर को उन्होंने सिर पर उठा रखे हैं। डॉक्टर साहब आपने इंटरव्यू लिया था उनका, तो आप दोबारा कब कर रहे होंगे इंटरव्यू? मुझे लगता है कि मैंने इंटरव्यू करके उन्हें ना चिढ़ा दिया है, वो जब भी जाता हूँ वो मेरे से चिढ़ जाता है यार। अच्छा डॉक्टर साहब एसपी साहब से हम कब जवाब ले रहे हैं साइकिल वाले मामले में? मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई जवाब देने की जरूरत है। अच्छा क्योंकि लेकिन वो तो कह रहे हैं कि एसपी साहब से जवाब लोगे, मेरी साइकिल क्यों नहीं मिली? ठीक है तुम ले लो। मैं ये भी कहते हैं मेरी मैम सब जानती है। मैं तो क्या था एसपी साहब, वो कह रहे हैं कि साइकिल दे सकते हैं, जब तक चोर नहीं मिलता तब तक साइकिल चला रहे भाई। तो फिर एक तो हम भी दे रहे थे। तो एक बात बताऊँ, इस कमेंट का ना लोगों ने बहुत विरोध किया पता है धर्म किस, जैसे ही हमने लिखा कहा ना, मैंने उसको भी यही बात कही रमेश को भी कि भाई साइकिल दे रही है पुलिस, तो नीचे क्या कमेंट आए लोगों की गाड़ी गुम होती है तो गाड़ी भी देगी क्या पुलिस? और भी कमेंट आए थे, आए थे लेकिन तुम बताने की कोशिश नहीं, बताएंगे नहीं वो कमेंट। आज तक जो गुम हो रखी है वो भी तो बात बनती है ना, कहीं ना कहीं वो ठीक भी है सारी बातें। मैं उनके सामने ये मुद्दा उठा रहा था भाई, ठीक है आपकी पुलिस ने सुन ली, आपको एक्नॉलेज कर लिया, लेकिन देखा जाए तो मीडिया को बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा भी नहीं है कि पुलिस बिल्कुल कुछ नहीं कर रही, आए दिन बाइक के गैंग्स पकड़े जाते हैं। बाइक प्रशासन देखो नागरिक है ना, जो अच्छे नागरिक है उनको प्रशासन का भी सहयोग करना चाहिए, अगर प्रशासन को भी हम उलझा के रखेंगे तो कहाँ चोरों को पकड़ेंगे? बिल्कुल डेफिनेटली प्रशासन का साथ दे, कहीं ना कहीं अगर हम बहुत ज़्यादा एंटी प्रशासन हो जाएंगे, एंटी एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएंगे, अल्टीमेटली देखिए इसके लिए कोई प्राइवेट संस्था तो है नहीं। देखो प्रदीप भाई पुलिस है, जैसे सरकारी अस्पताल है, अगर सरकारी करना तो उन्होंने ही है, हाँ सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज ना मिले प्राइवेट में चले जाते हैं, सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती प्राइवेट में चले जाते हैं, लेकिन पुलिस तो सरकारी ही है, तो हम उसे बेहतर बनाएं ना कि उसकी इतनी आलोचना करें। लेकिन वैसे साइकिल का लोग लगाना चाहिए था, पता नहीं अब क्या जीपीएस भी लगा सकते हैं। हाँ मतलब इसके बाद साइकिल की सुरक्षा प्रणाली को थोड़ा और मजबूत किया जाना जरूरी है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि साइकिल की ब्रांड्स को आना चाहिए उनके पास ये कहने के लिए कि एक साइकिल कितना मायने रखती है, आप बहुत एडवर्टाइजमेंट हो सकती है। हीरो की साइकिल जिस प्रकार से पेट्रोल हीरो की साइकिल है ना, साइकिल दोबारा साइकिलों में आने की नौबत आ ही जाएगी लगभग। हाँ भाई हिसाब से तो बहुत महंगी साइकिल है वो, क्यों कितने किलोमीटर चलाते होगे डेली? वो तो जब मिलेगी ना तो मुझे लगता है वो म्यूजियम में रखी जाएगी, ये वो साइकिल थी जिसके लिए एक व्यक्ति धरने पे बैठ गया। हाँ ये बात तो है, उसकी कीमत बढ़ गई अब, जैसे महात्मा गांधी के चश्मे की बड़ी थी ना कीमत लाइब्रेरी में लगा हुआ है लंदन के अंदर, उसकी बोली लगी वैसे इसकी बोली भी लगी वाली, वैसे भी महात्मा गांधी का चरखा भी रखा है ना, बस धोती रह गई उसकी, धोती भी रखी हुई कपड़े भी रखे होंगे। आई डोंट नो, मैं कभी गया नहीं गुजरात, लेकिन महाराणा प्रताप की तलवार वगैरह ये सब चीज़ें आज ही मिल जाएंगी आपको, किले में रखी हैं। हाँ शिवाजी वाली भी मिल जाएंगी महाराष्ट्र में उधर आपको, रजिया सुल्तान की कब्र। आपका क्या प्लान है आपकी कब्र का नाम दे रहे? अब आप किसकी कब्र बनवाना चाहते हैं? हफ्सी की कहानी। किसकी हफ्सी? वो कौन है वो? उसका रिलेशन रजिया सुल्तान का, उसने अपना राजपाट लेने के लिए अपने चचेरे भाई को दिया रजिया ने, रजिया ने दिल्ली में, फिर वहाँ आक्रमण कर दिया मोर ने, फिर वो वहाँ से भाग के कैथल आ गई, कैथल में वो यहीं पर मारी गई, यहीं पर अपना रजिया सुल्तान मकबरा बना हुआ है कैथल में ही है। हाँ मुझे मालूम है मकबरे का, प्रेम कहानी थी हफ्सी से, मूवी भी बनी है इस पर रजिया सुल्तान, मूवी बनी है, पहली महिला शासिका है। हाँ सबसे मजबूत
जो गर्व की बात है कैथल में कब्र है उसकी, लेकिन बताते हैं कि उसकी दो जगह कब्र है, यहाँ उसकी डमी कब्र बताते हैं, वो असली में कहीं और दफन है। देखो ये डॉक्टर साहब ऐसी झूठी बातें मत बताओ, लेकिन बाद में कोई कहता है कि उसे यहाँ से निकाल के कहीं और जाके दफना दिया गया था। मैंने पढ़ा था, मेरे को काफ़ी गहरी बताई गई है, बहुत गहरी है, पता है कितनी गहरी है, जितना हम ये जो बावड़ी नहीं है यहाँ पे बनी हुई है सरकारी अस्पताल में बराबर में अंडरग्राउंड वे, इससे भी नीचे हो सकती है। नहीं ये सारी कब्रों का यही इनका वो रहता है डिज़ाइन, आप ताजमहल है ना, जो ताजमहल जो हम देखते हैं बाहर से, वो जो ऊपर सतह पे है वो सिर्फ डमी है, उसके कई फुट नीचे है असली कब्र, उसका रीज़न क्या है ये मुझे मालूम नहीं, नीचे नहीं था कि पाड़ ना ले ऊपर से निकाल कुत्ते वगैरह ना उतार ले। वो भी चीज़ है हमारी, सब हर एक चीज़ की कहानी, नीम साहब जो आ रहा है हमारे गांव में, क्यों कोटिकुट तीर्थ उसकी बड़ी मान्यता है, पहले हमारे गांव से ज़्यादा हरिद्वार क्षेत्र अस्थियाँ आने जाते थे, लेकिन अब वहीं नहीं, मैंने वो तालाब के बारे में सुना है कि वो काफ़ी फेमस है उसके लिए कि वहाँ पर सुसाइड करता है, सुसाइड तो कोई नहीं करता। हेलो तालाब को चमकाया जा रहा है, कहते हैं ना जहाँ गंदगी है गंदगी, वहाँ लोगों के दिमाग में गंदगी घुस जाता है, अगर हर हर वार्ड में हर गली में सफाई रहेगी, वार्ड साफ सुथरा रहेगा, लोग साफ सुथरे रहेंगे, नए नए आइडियाज आएंगे, लोग सहयोग भी करेंगे उस चीज़ का, तब जाके गंदगी काम सुधारना। हर जगह तो बुरा हाल है, सड़कें फाड़ रखी हैं, आप उसमें बस वो भाईचारा बिगाड़ के बाद बात करते हैं, चलिए सरकार की तो कमियां जितनी हो सके उतनी करनी चाहिए, निकालनी चाहिए ताकि और बेहतर हो सके। तो ठीक है, हमें दीजिए इजाज़त, यहीं एंड करते हैं स्पेशल लाइव प्रोग्राम को जो हम कर रहे थे तीनों, मैं धर्म और प्रदीप सरदार जी, जो सेक्टर 20 में नया खुला है, बहुत अच्छा इनका क्विज़ीन है, पर बहुत टेस्टी लगा, शेक भी अच्छा था और चाप भी अच्छी थी, दीजिए इजाज़त, गुड नाइट, फिनिश कर ठीक है दोस्तों, ओके गुड नाइट।